आइए फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी पेरेंट्स मेरे पास में बच्चों को लेकर आते हैं, बोलते कि बच्चा मानता नहीं है, शरारती बहुत हो गया है, झूठ बोलता है, हमारे से बहुत फ्री नहीं है, अकेला अकेला रहना पसंद करता है, इसका कुछ तो भी काउंसिलिंग करो। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि भाई ये ऐसा होता क्यों। देखो, बच्चे जब छोटे रहते हैं तब माँ बाप को पूरा बताते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा है, उसको अच्छी भाषा आना चालू हो जाता है 2 साल में, तो जो भी कुछ हुआ वो बच्चा बोलते जाता है, बोलते जाता है। फिर 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा हो रहा तब पूरा बताता है, एंजॉय करते रहे। माँ बाप के साथ में सब शेयर करेगा, स्कूल में क्या हो गया वो शेयर करेगा, बच्चों में क्या हो गया वो शेयर करेगा। होता क्या है कि एक आध दिन स्कूल के बच्चे, मतलब 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, एक आध दिन वो बच्चे, सब बच्चे मिलके स्कूल को बंक मारते और कहीं पेड़ के नीचे जाके कोई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या बेर खाएंगे या कुछ तो भी करेंगे और बंक मारते। वो होने के बाद में आके बताएंगे और बताने के बाद में आप उनको डांटेंगे कि स्कूल क्यों नहीं गए, तू अच्छा नहीं, तूने अच्छा नहीं किया, तू ऐसा है, तू वैसा है, ऐसा डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे कि भाई गलत संगत में रह गया है। तो क्या है कि हर व्यक्ति को चाहिए एक्सेप्टेंस, स्वीकार चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, प्रेज प्रशंसा। तो जब उसको मालूम पड़ता है कि मैंने ऐसा कुछ बंक किया या बच्चों के साथ में पढ़ाई नहीं किया करके मार पड़ी स्कूल में, या फिर फुल बंक करके मूवी चले गए, या कहीं पार्टी में जाके लड़के ने सिगरेट पिया, या कोई पार्टी में जाके बच्चे ने दारू पिया, शराब पिया, या बंक करके मूवी चले गए, जो भी कुछ किया होगा, और वो यदि आके बताता है और माँ बाप यदि उसको बोलते कि तूने गलत किया है, तू अच्छा नहीं है, तू तू गलत कंपनी में है, तेरे दोस्त कैसे है, उसको डांटा, फटकारा, बच्चों को मारा, जो भी किया हो, लेट आ गया बच्चा, ज्यादा खर्चा किया, मतलब ऐसा कुछ भी करता है, तो यदि माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते, उसको गलत बोल देगी वो, तू गलत है, तो फिर क्या होगा, वही होगा, उसको पता लगेगा कि माँ बाप के पास में अपना एक्सेप्टेंस नहीं है, वो डांटते हैं। अच्छा, वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि उसके ऊपर पीयर प्रेशर है, बाकी बच्चों का प्रेशर है। बाकी बच्चे मूवी जाते हैं, बाकी बच्चे शराब पियेंगे, थोड़ा बड़ा होने के बाद की बात कर रहा हूँ, बंक करेंगे स्कूल को या कॉलेज को, या लेट नाइट घर पे आएंगे, या उनको एक किक बैठती है कि कॉमन बंक मार दिया और कहीं चले गए, सर्कस देखने चले गए या और कहीं चले गए, तो ऐसा उनको किक आती है उसमें, और वो पीयर प्रेशर में उनको करना ही पड़ता है, नहीं किया तो वो उनके ग्रुप में से बाहर निकल जाता है। तो वो पीयर प्रेशर में वो करेगा, आपको आके घर में बोलेगा कि भाई मैंने ऐसा किया, आप डांटेंगे। अभी होगा क्या, जब उसको डांट पड़ रही है, इसके बाद में जब वो पीयर प्रेशर में, मतलब बच्चों का दबाव, उसके दोस्तों का दबाव में आके जब वो कोई काम करता है, उसको मालूम है कि ये तो गलत है, मैं घर जाऊंगा तो वो तो डांट पड़ेंगी, मारेंगे, कुछ तो भी करेंगे, इससे अच्छा बताना ही ठीक नहीं। क्या उसने वो करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, उसने करना बंद नहीं किया, उसने बोलना बंद किया। आप यदि उसको ये बोल सकते हैं क्या, अच्छा फिर बात यह है कि फिर वो उसने करना, मतलब बोलना नहीं, उसको डांटना नहीं, फटकारना नहीं, चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं करने का है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, वो आपको करते रहता है मगर वो बोलता नहीं है, इसकी वजह है कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। यदि आप, जब वो बोलता है ऐसा, तो सबसे पहले ये है कि उसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आप देते हो कि ठीक है तूने जो किया वो किया, आप उसको उसके साथ में बातचीत करते हो कि ये क्यों करना पड़ा, प्रेशर में आके करना पड़ा क्या, झूठी सही उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर मार दिया, क्यों किया भाई उसने, सही बता था कि मैं फेल हो गया या मार्क कम पड़ गए तो क्या होता था, उसको मालूम है कि मार्क कम पड़ गया, फेल हो गया तो बहुत मार पड़ेगी, उससे अच्छा झूठी सही मार के वो प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल में दे देना अच्छा है। उसको ये मालूम है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसे अच्छा झूठ बोलो और टाइम निकाल लो, और वो टाइम निकालते रहता है। तो हमने क्या करना जरूरी है कि जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं, पहले एक्सेप्टेंस, उसके साथ में बातचीत कि भाई तू अच्छा है, तूने जो किया वो ठीक नहीं, तेरा जो पीयर्स है, तेरे जो पीयर्स है, तेरे जो कंपनी है, तेरे जो दोस्त है, वो करते होंगे और भावनाओं में आके, प्रेशर में आके तू ये करेगा, तू अच्छा है, तूने जो किया वो बुरा है, तूने किया वो ऐसा नहीं करना, क्या कर सकते उसको बताओ कि और क्या कर सकते। मगर उसको ये नहीं एहसास होने को ना कि मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गलत हूं, ऐसा जब उसको एहसास होता है तो फिर उसका बहुत बड़ा मतलब पेमेंट या बहुत बड़ा मतलब नुकसान बड़ा होने के बाद में उसको भुगतना पड़ेगा। तो बेस यह है कि भाई तू अच्छा है, तूने जो किया वो ठीक नहीं है। तो आप उसको जब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करते हो, अनकंडीशनल बच्चों को स्वीकार कर लेते हो कि जो भी कुछ उसके लाइफ में हो रहा है उसको स्वीकार करो, बच्चों को ये शर्त रखो कि भाई जो भी कुछ होगा ना तूने सच्ची सच्ची बताने का है, तूने सच्ची यदि बता दिया, सही सही बता दिया, तो हम डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, हम स्वीकार करेंगे। मगर
हम यदि ढूंढ के निकालेंगे तो फिर तेरे को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसको यह है कि भाई नहीं, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे पार्टनर हैं, मेरे को समझ लेते हैं, तो फिर वो सब आके बोलेगा और फिर आप सुधर के उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, मौका फिर आपको सुधारने। देखो हर स्कूल में आज काउंसिलर है। काउंसिलर क्यों है? क्योंकि स्कूल के अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि माँ बाप से काफी चीजें छुपाते हैं, काउंसिलर को सब बताते हैं। काउंसिलर को क्यों बताते हैं? क्योंकि काउंसिलर ऐसा ट्रेन आदमी है कि जो बच्चा जो बोल रहा है उसको स्वीकार कर लेता, ना उसको रिएक्ट करता है। तो जब काउंसिलर जब उसको रिएक्ट नहीं करता है तो बच्चे पूरा बता देते हैं काउंसिलर को। उसको मालूम है, वो बोलता है कि मेरे माँ बाप को मत बोलो। तो क्या हर माँ बाप काउंसिलर नहीं बन सकते अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल बन सकते हैं। तो जब ये लड़के को मेरे पास में लाया तो मैंने बोला, देखिए आपने क्या क्या किया भी देखो, पास में क्या क्या गलतियाँ हुई आपकी देखो, और अभी क्या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आप आपके बच्चों का कर सकते हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्ट। और फिर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आप करेंगे, स्वीकार करेंगे बच्चों का, वो जैसा है वैसा है, उसके दोस्त बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे, और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे बाबा ऐसी जगह कि वहाँ जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। क्योंकि गलती सभी के हाथ से होती है, गलत काम सभी के हाथ से होता है। उसको इतना ही बोलना पड़ेगा कि भाई एक बार तेरी गलती हो गई, तूने बोल दिया, चलो माफ़, दोबारा मत करना। तो बच्चा अपने माँ बाप को आगे सब कुछ बोलेगा। और ये जो नौबत अभी आजकल आ रही है, काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास में बच्चों को लेके आते हैं, 17, 18, 20 साल, 22 साल के बच्चे की मानते नहीं है, धूमधाम करते हैं, गुस्सा करते हैं, एरोगेंटली मतलब बिहेव करेंगे, उल्टा जवाब देंगे, गुस्सा करेंगे, कभी कभी माँ बाप को भी मार देते हैं, या फिर व्यसन कर लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, शराब है, या फिर ड्रग्स लेते रहते हैं, फिर भी सोशल मीडिया का एडिक्शन हो रहा है, चार चार पाँच पाँच घंटे वो सोशल मीडिया के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको भुगतनी पड़ेंगी, और वो तकलीफ वाली बात है। तो मेरा माँ बाप को यही कहना है कि बच्चा जो छोटा रहता है, 4 साल का 5 साल का 6 7 मतलब 12 साल तक, तो उसको आप जैसा उसको जैसा मोल्ड करेंगे ना, वैसा वैसा वो मोल्ड होते जाएगा। 12 के बाद में फ्लेक्सिबिलिटी जो है कम कम होती जाती है। एक बार ऐसा बोला जाता है कि आपके जूते बच्चों के पैर में आ गए, बाद में तो बच्चों को बदलना बहुत कठिन हो जाता है, बाद में वो आपका पार्टनर है, मतलब 18 साल 20 साल का। तो भी बच्चों को इस तरह परवरिश यदि आप करते हैं, बहुत फायदा हो जाएगा, और आज जो प्रॉब्लम्स माँ बाप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत माँ बाप ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आपके शेयर करो, ताकि हर माँ बाप सजग हो जाएंगे इसके बारे में, और वो उस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ में आज से भी शुरू कर दे तो फायदा हो जाएगा। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपकी पार्टनरशिप हमें चाहिए। नीचे नंबर दिए हुए, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल से उसमें पेशेंट को लाके भर्ती कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। और हमारा जो है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और सबके लिए व्यसन मुक्त भारत, मतलब वो जो है वो हमारा विजन, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।